अस्सलामु अलैकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हो बेटा? नाउ लास्ट पीरियड में जो है मैंने आपको हमारे इंग्लिश के लेसन नंबर 3 ईशा गोज़ टू स्कूल के हार्डवर्ड्स दिए थे। मैं एक बार आपको पढ़ा देती हूँ, इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे। फर्स्ट वर्ड इज़ ईशा, स्कूल, नेक्स्ट स्कूल, अर्ली, मॉर्निंग, मम्मी, यूनिफॉर्म, थैंक यू, ड्रेस, हग्स, राइड, वर्षा, रिचेस, रुचि, काउंटिंग, शूज, हरियप, इंजॉयज, निधि, एंटर्स, राइम्स, टायर्ड। ये हमारे हार्डवर्ड्स थे, ये आपने 5 टाइम लिख चुके हैं। अब हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। यहाँ हमारी मीनिंग्स है बेटा। फर्स्ट और सेकंड लेसन में हमारे मीनिंग्स नहीं थे, काफ़ी बड़े थे, इसलिए मैंने आपको मीनिंग्स नहीं दिए थे। यहाँ हमारे थर्ड लेसन से हम मीनिंग स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे फर्स्ट वर्ड इज़ हैप्पी, HAPPY, हैप्पी। हैप्पी की मीनिंग होती है चीयरफुल, CHEER, चीयर, FUL, फुल, चीयरफुल। हैप्पी, चीयरफुल, ये दोनों ही वर्ड्स सेम है बेटा। यानी आप अगर चीयरफुल कहीं पे है तो इसका मीनिंग होगा हैप्पी, और अगर हैप्पी है तो इसका मीनिंग है चीयरफुल, ये सेम है, ठीक है। नेक्स्ट इज यूनिफॉर्म, UNIFORM, यूनिफॉर्म। हम यूनिफॉर्म किसे कहते हैं? इसका मीनिंग है SCHOOL, स्कूल, DRESS, ड्रेस, स्कूल ड्रेस, जो आप बच्चे स्कूल में पहन के आते हैं, मदरसे में पहन के जाते हैं, बराबर, वो होता है हमारा स्कूल ड्रेस, ठीक है। नेक्स्ट इज बस राइड, BUS, बस, RIDE, राइड, बस राइड, बस राइड का मीनिंग है GOING, गोइंग, BY, BUS, बस, गोइंग बाय बस। यानी आप कोई भी ट्रैवलिंग अगर बस के थ्रू कर रहे हो तो हम उसे कहेंगे बस राइड, ओके। नेक्स्ट इज रिचेस, RECHES, रिचेस, रिचेस का आएगा गेट्स टू। यानी आप वहाँ जो आपकी पोजीशन थी जहाँ आपको पहुँचना था, चाहे स्कूल है, चाहे मदरसे हैं, या फिर कोई घूमने की जगह है, कोई पिकनिक स्पॉट है, तो वहाँ रीच हो गए, यानी हम गेट्स टू, यानी वहाँ पे हम पहुँच गए। एंटर्स, ENTERS, एंटर्स, एंटर्स के लिए मीनिंग है COMES, कम्स, INTO2, कम्स इन टू अ PLACE, प्लेस, कम्स इन टू अ प्लेस, ओके। एंड लास्ट इज TIRED, टायर्ड, टायर्ड यानी एकदम थके हुए, कम्स इन टू अ प्लेस यानी आप वहाँ जो प्लेस है बेटा वहाँ पहुँच चुके हो, आपकी एंट्री वहाँ हो चुकी है, ठीक है। हमारा लास्ट जो है टायर्ड है, टायर्ड उसकी मीनिंग है SLEEPY, स्लिपी, यानी एकदम पूरी तरीके से आप थक चुके हो, जो भी आपका पूरा दिन का जो काम था आपको करके टायर्ड हो गए हो। नाउ नेक्स्ट इज हमारा जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 है बेटा, ये जो आपका है मीनिंग, जो मैंने इससे पहले आपको जो पढ़ाया है, ये आपको सिर्फ 1 टाइम ही लिखना है। आज आपने नोटबुक निकालिए इंग्लिश की, और उसमें सिर्फ 1 टाइम ही आपको लिखना है। नेक्स्ट है हमारा फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड्स, करेक्ट जो वर्ड है, यहाँ 3 ऑप्शन दिया है ABC, उसमें से जो करेक्ट वर्ड है वो हमें ब्लैंक में लिखना है। फर्स्ट इज इट इज़ ईशाज डैश डे इन स्कूल, यानी ये ईशा का कौन सा दिन था स्कूल का। ऑप्शन ए है सेकेंड, ऑप्शन बी है फर्स्ट, और ऑप्शन सी है लास्ट। यहाँ पे इसका राइट आंसर है, वेरी गुड, सही है, बी आएगा इसका राइट आंसर, फर्स्ट, क्योंकि ये ईशा का फर्स्ट डे था स्कूल का, ओके। नाउ नंबर 2, ईशा इज डैश टू सी वर्षा इन हर क्लास। ईशा जो है वर्षा, वर्षा कौन थी बेटा, जो उसे बस में मिली थी, उसकी नई फ्रेंड, राइट, उसकी न्यू फ्रेंड, उसे देखकर ईशा क्या हो गई। ऑप्शन ए हैप्पी, ऑप्शन बी एंग्री, ऑप्शन सी सैड, इसका आएगा ऑप्शन ए हैप्पी। नाउ नंबर 3, दे डैश काउंटिंग नंबर्स, सब बच्चों ने मिल के टीचर्स के साथ में क्या सीखा, रीडिंग, रिसाइट या लर्न। उन्होंने काउंटिंग करना, रीड करना सीखा, उसको रिसाइट करना सीखा या लर्न करा, तो स्टूडेंट्स ने काउंटिंग नंबर्स लर्न करा, सीखा, ओके। नाउ 4th इज
दे प्ले विथ ब्लैंक, अब उन सब ने किस चीज़ के साथ में खेला, मड, क्ले या स्टोन्स, तो इसका आंसर है क्ले। ओके बेटा, ये भी आपको सिर्फ न्यू पेज पे वन टाइम लिखना है। ओके, एक ही पेज पे आप कंटिन्यू मत करना, तो के काफ़ी ज़्यादा मैसेज ऐसा हो जाएगा। आप एक एक क्वेश्चन को न्यू पेजेस पे लिखिए। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ओके, हमें अभी क्वेश्चन आंसर्स करने हैं। फर्स्ट है इज ईशा हैप्पी टू गो टू स्कूल, क्या ईशा स्कूल जाके खुश थी, उसे अच्छा लग रहा था। आंसर इज येस, ईशा इज हैप्पी टू गो टू स्कूल। येस, ईशा बहुत खुश थी, वो स्कूल जाके बहुत हैप्पी थी। नाउ क्वेश्चन नंबर टू, हाउ डज ईशा गो टू स्कूल, ईशा स्कूल कैसे पहुंची। आंसर इज ईशा गोज टू स्कूल बाय बस, ईशा जो है वो स्कूल जो है अपनी स्कूल बस के जरिए पहुंची। नाउ नंबर थ्री, व्हाट आर द नेम्स ऑफ हर न्यू फ्रेंड्स, ईशा के जो न्यू फ्रेंड्स जो पहले दिन उसके बने उनका नाम क्या था। आंसर इज द नेम्स ऑफ ईशाज न्यू फ्रेंड्स आर वर्षा एंड निधि, ईशा के दो न्यू फ्रेंड्स बने थे, एक वर्षा जो बस में उसकी फ्रेंड बनी थी और एक निधि जिसके साथ में ईशा जो है क्लास में बैठी थी। ओके, नंबर फोर, व्हाट डज ईशा टेल हर मदर व्हेन शी कम्स बैक होम, जब ईशा स्कूल से वापस घर आई तो उसने अपनी मम्मा से क्या कहा। आंसर इज ईशा टेल्स हर मदर दैट शी लव्स हर स्कूल, उसने अपनी मम्मी से कहा कि मुझे मेरी स्कूल बहुत अच्छी लगी, बहुत यानी बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। ओके बेटा, नाउ इस इज अवर लास्ट क्वेश्चन है हमारा, मैच द राइमिंग वर्ड्स गिवन बिलो। राइमिंग्स तो आपको पता है ना बेटा, जिसके लास्ट के जो टू से थ्री वर्ड्स जो होते हैं वो सेम होते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने मैच नहीं करा है, मैं आपको मैच की भी पिक्चर जो है आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। ठीक है, यहाँ पे आपको समझना है फर्स्ट वर्ड इज लाइक, तो लाइक का राइमिंग वर्ड क्या हो जाएगा यहाँ, बी ऑप्शन बाइक। सेकेंड नंबर पे स्कूल, स्कूल का ऑप्शन हो जाएगा डी स्टूल। थर्ड इज राइड, राइड का ऑप्शन हो जाएगा बताइए यस ई हाइड। नंबर फोर इज ग्लास, ग्लास का जो है हमारा ऑप्शन हो जाएगा, क्लास का ऑप्शन हो जाएगा ग्लास और प्ले का क्ले। ये आपका आपने कई बार सीनियर केजी में भी करा है, और अगर आपको इसमें मैच करने में नहीं आ रहा है राइमिंग वर्ड्स जिसकी एंडिंग सेम होती है, जिसका स्टार्टिंग वर्ड्स अलग होते हैं पर उनका जो एंड साउंड होता है बेटा वो सेम होता है। ओके, इतना हमारा आज का है। आपको ये सारे क्वेश्चंस वन टाइम आपकी नोटबुक में लिख लेना है। कोई भी डाउट हो बेटा, कोई भी कन्फ्यूजन हो, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको सारे क्वेश्चंस ये मैचिंग है। इसके बाद इससे पहले जो हमने क्वेश्चन आंसर्स लिखे बताए वो फिल इन द ब्लैंक्स और मीनिंग्स, ये सभी आपको वन टाइम लिखना है। आपके पास वक्त है, कोई जल्दी नहीं है, आप आराम से ये सारी चीज़ें वन टाइम आपके नोटबुक में कर लीजिए। ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।